गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो हाफ पार्ट रह गया था। हाइडी की स्टोरी चल रही है, सॉरी हाइडी। यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ तक क्या होता है कि क्लैरा जब वो स्कूल से आती है, हाइडी स्कूल से आती है, तो क्लैरा कहती है कि उसने, उसकी जो मेड है घर में, जो सर्वांट होते हैं ना काम करने वाले, ठीक है, उसको मेड बोलते हैं, तो उसने एक घोस्ट को देखा है। और डैडी जो है यहीं रहेंगे, तो वो भी घोस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। फ्रॉम हियर आई रीड। सो दैट नाइट, उसी रात को क्या होता है, क्लैराज फादर वेंट टू लुक फॉर द घोस्ट। उस रात को क्या होता है, क्लैराज फादर चले जाते हैं, उसके डैडी घोस्ट को देखने चले जाते हैं। हिज फ्रेंड, उसके जो फ्रेंड हैं द डॉक्टर हु लुक्ड आफ्टर क्लैरा मीन्स वेंट विद हिम। उस क्या होता है, उसके जो फ्रेंड हैं डॉक्टर, जो किसका ख्याल रखते हैं, क्लैरा का ख्याल रखते हैं, वो भी वेंट विद हिम, उसके साथ चले जाते हैं, उसके फादर के साथ ही चले जाते हैं। एज दे वर सर्चिंग, जैसे ही वो सर्च करने लग जाते थे, जैसे वो ढूंढ रहे थे किसको, घोस्ट को, देन वॉज अ नॉइज़, उसके बाद नॉइज़ ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पे से एक आवाज़ आती है। इट वॉज हाइडी, ये हाइडी थी वॉकिंग इन स्लीप, इन हर स्लीप, जो किस में चल रही थी, नींदों में चल रही थी। ये हाइडी थी जो नींदों में चल रही थी, जिसने, जिसको क्लैरा ने क्या समझ लिया था, घोस्ट समझ लिया था। द डॉक्टर लुक्ड हाइडी बैक टू हर बेडरूम एंड टुक बैक मीन्स, जो डॉक्टर हैं हाइडी को वापस उसके बेडरूम में ले गए। वॉक हर अप वेरी जेंटली मीन्स बड़े ही जेंटली, आराम से वो उठी। वट वर यू ड्रीमिंग अबाउट आस्क्ड द डॉक्टर, तुम्हें क्या सपना आ रहा था, किसके बारे में आ रहा था सपना, क्या सपना देख रही थी तुम, डॉक्टर ने पूछा। I was dreaming of the mountain means वो किसके बारे में सपने ले रही थी, माउंटेन्स के बारे में, क्योंकि पहले वो कहाँ रहती थी, हाइडी माउंटेन में रहती थी, पहाड़ियों में अपने ग्रैंडफादर के साथ, पीटर के साथ रहती थी, वहाँ उसको बहुत अच्छा लगता था। अब वहाँ से वो फ्रैंकफर्ट में आ गई है, एक बड़े से टाउन में आ गई है, किसी फ्रेंड के घर पे रहती है, अपनी आंटी की जो फ्रेंड है उनके घर पे रहती है, स्कूल जाती है, तो वहाँ उसका मन नहीं लग रहा है। सेड द हाइडी, हाइडी ने कहा कि वो माउंटेन्स के बारे में सपने ले रही थी। आई एम वेरी हैप्पी हेयर बट आई मिस्ड माई ग्रैंड फादर एंड पीटर, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, बट वो अपने ग्रैंड फादर और पीटर को क्या कर रही थी, मिस कर रही थी। क्लैराज फादर वॉज वरीड अबाउट हाइडी, अब क्लैरा के फादर को बहुत चिंता हो रही थी हाइडी के बारे में। आई विल सेंड यू होम ही सेड, मैं उसको वापस उसके घर भेज दूंगा, उसने कहा। हाइडी वेंट टू सी क्लैरा, हाइडी कहाँ गई, क्लैरा को देखने गई। आई विल मिस यू व्हेन आई एम बैक इन द माउंटेन मीन्स, जब मैं वापस जाऊंगी माउंटेन पे होंगी, तो मैं तुम्हें मिस करूंगी क्लैरा, शी सेड। आई विल मिस यू टू, क्लैरा ने कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी, बट आई विल कम एंड सी यू वन डे सून, एक दिन मैं जल्दी आऊंगी तुम्हें देखने। सो हाइडी वेंट बैक टू द माउंटेन, और इसलिए हाइडी क्या होती है, हाइडी वापस चली जाती है माउंटेन पर, जहाँ पे पीटर और ग्रैंडफादर रहते थे। फादर एंड पीटर वर वेरी हैप्पी टू सी हर, फादर उसके जो ग्रैंडफादर थे और पीटर, उसको बहुत खुश हुए देखकर, बहुत खुश थे उसको देखकर कि हाइडी वापस आ गई। हाइडी डिडेंट वॉक इन हर स्लीप एनी मोर, अब हाइडी क्या है, अब ज़्यादा मीन्स वो नहीं चलती थी। पहले क्या होता था, जब वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी तो सपने में चलती थी रात को, अब वो सपने में नहीं चलती है, नींदों में उठ के नहीं चलती है। शी वॉज सो हैप्पी टू बी होम, वो घर वापस आके या घर पे होके बहुत ज़्यादा खुश थी। द नेक्स्ट डे हाइडी वेंट टू लुक आफ्टर द गोट विद हर, और क्या होता है, अगले दिन हाइडी
स्कॉट को लेकर पीटर के साथ चली जाती है, उनका ध्यान रखने, उनको चारा खिलाने के गॉट को लेकर निकल जाते हैं दोनों, पीटर एंड। अब वो खुश है क्योंकि वो वापस अपने ग्रैंडफादर के पास आ गई और पीटर के पास आ गई, तो फिर से स्टार्ट हो गया वो दोनों का गॉट्स का ध्यान रखना, उनको वापस घर लेके आना। इट्स वंडरफुल टू हैव यू बैक, सैड पीटर, आई मिस्ड यू, वो पीटर कहता है हाइडी को, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और ये बहुत ही अच्छा हुआ तुम वापस आ गई हो, तुम्हें वापस पाकर बहुत अच्छा फील हुआ। आई मिस यू टू, सैड हाइडी, हाइडी ने कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आई वॉन्ट टू स्टे इन द माउंटेन फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ। फॉर एवर होता है ऑलवेज, हमेशा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास यहाँ माउंटेन में रहना चाहती हूँ, माउंटेन में। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, व्हेन हाइडी हैड जस्ट गॉट अप, जब हाइडी उठती है, मींस जब वो उठती है, वॉकअप उठती है, मींस जब वो नींदों से उठती है, देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, कुछ आवाज़ नॉक होता है, जैसे कुछ आवाज़ आना, खटखटाने की, डोर खटखटाने की आवाज़ आना, कुछ आवाज़ थी। इट वॉज क्लैरा, ये क्लैरा थी एंड हर फादर। डोर पे कौन थे, जब डोर पे नॉक होने की आवाज़ आ रही थी तो डोर पे क्लैरा और उसके फादर थे, हु हैड कम टू विजिट हर, उसको मिलने आए थे, जो क्लैरा उसकी फ्रेंड थी, क्लैरा अपने फादर के साथ उसको मिलने आई थी। नेक्स्ट, आई हैव टू गो टू टाउन, सेड क्लैराज फादर टू ग्रैंड फादर, कैन क्लैरा स्टे हेयर विद यू फॉर अ वीक, यहाँ क्लैरा के फादर हाइडी के ग्रैंड फादर से कहते हैं कि मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे टाउन जाना पड़ रहा है, तो क्लैरा क्या यहाँ रुक सकती है एक वीक के लिए, कैन क्लैरा स्टे विद यू फॉर अ वीक। ओके, अब किसको काम हो गया, जो क्लैरा के फादर थे उसको टाउन जाना पड़ रहा था, तो जो ग्रैंड फादर हैं, हाइडी के ग्रैंड फादर हैं, उससे बात कर रहे हैं कि क्लैरा एक वीक के लिए आपके पास माउंटेन पर रह सकती है। हाइडी वॉज प्लीज टू सी क्लैरा, टुक हर टू सी ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन द माउंटेन, हाइडी बहुत ज़्यादा प्लीज़ होना, खुश होना, बहुत खुश हुई उसको देख के क्लैरा को, टुक हर टू सी, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई उसको दिखाने के लिए माउंटेन पर। बट पीटर वॉज जेल्स टू हाइडीज न्यू फ्रेंड, अब पीटर को क्या हुआ, यहाँ जेल्सी फील हुई उसके न्यू फ्रेंड से, क्योंकि वो उसको फ्रेंड मानती थी और बहुत खुश हुई उसको देख के, तो यहाँ पीटर को जेल्सी फील हो रही है क्योंकि हाइडी का जो न्यू फ्रेंड है, हाइडी का ध्यान क्लैरा की तरफ हो गया, वो उसके साथ बिजी हो गई, तो उसको जेल्सी फील होने लगी। व्हेन नो वन वॉज लुकिंग ही पुश्ड क्लैराज व्हील चेयर डाउन द माउंटेन, जब कोई नहीं देख रहा था, नो वॉज लुकिंग, तो उसने पुश किया, ही पुश्ड होता है धक्का देना, क्लैरा की जो व्हील चेयर थी, क्योंकि शी कांट वॉक, वो चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, तो माउंटेन से नीचे धक्का दे दिया। नेक्स्ट डे क्लैरा कुड नॉट फाइंड हर व्हील चेयर, अब नेक्स्ट डे, अगले दिन क्लैरा को अपनी जो व्हील चेयर है वो फाउंड नहीं हो रही थी, मीन्स मिल नहीं रही थी। नेक्स्ट आगे क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे, हाउ डू यू थिंक क्लैरा विल मैनेज विदाउट हर व्हील चेयर, आपको क्या लगता है, आपके ख्याल से कि कैसे मैनेज करेगी क्लैरा अपनी व्हील चेयर के बिना। I must try to walk, said Clara. Clara ने कहा मुझे चलने की कोशिश करनी चाहिए. So Heidi and her grandfather helped her to walk. Heidi और उसके grandfather ने Clara की help की, उसको walk करने में, means उसको उसकी चलने में मदद की. Soon Clara was able to stand up. और जल्दी ही Clara खड़े होने के एबल हो गई, मींस धीरे धीरे खड़े होने लग गई थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, शी स्टार्ट्स वॉक टू वॉक ऑल बाय हरसेल्फ, एक दिन उसने अपने आप खड़ा होना और चलना सीख लिया था, अपने आप चलना सीख लिया था। दिस इज़ वंडरफुल, सेड हाइडी, ये बहुत ही वंडरफुल, शानदार है, हाइडी ने कहा। नेक्स्ट,
पीटर वॉज प्लीज टू। पीटर प्लीज टू मीन्स पीटर भी बहुत खुश हुआ। आई एम सो सॉरी आई वॉज जेलस। उसने फील की, सॉरी फील की कि उसको जेलस फील हुई, कि वो उसको जेलस फील हुई इन दोनों को देख के, वो इसके लिए सॉरी फील कर रहा था। सेड पीटर, विल यू बी माई फ्रेंड क्लैरा, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी क्लैरा, उसने क्लैरा से पूछा। पीटर ने क्लैरा से पूछा कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। नेक्स्ट डे क्लैराज फादर केम टू टेक हर बैक होम। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, क्लैरा के फादर आते हैं उसको घर वापस ले जाने के लिए। क्लैरा वॉक आउट ऑफ द हाउस टू मीट हिम। अब क्लैरा वॉक आउट मीन्स घर से बाहर खुद चल कर जाती है उनसे मिलने के लिए। वॉक आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाती है उनसे मिलने के लिए। यू कैन वॉक, सेड क्लैराज फादर। बड़ी हैरानी से कहते हैं कि तुम चल सकती हो। यू कैन वॉक, सेड क्लैराज फादर। क्लैरा के फादर ने कहा, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये सबसे खुशी का दिन है मेरी लाइफ में। हाइडी क्लैरा एंड पीटर बिकेम फ्रेंड फॉर एवर। हाइडी क्लैरा और पीटर हमेशा के लिए फ्रेंड बन गए। मैसेज क्या है, फ्रेंड हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर। जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। ओके, आपने भी अपनी फ्रेंडशिप ऐसे ही रखनी है, आपका जो फ्रेंड है उसके हेल्प करनी है, उसे जेलस फील नहीं करनी है। स्टूडेंट्स, ये था आपकी पूरी स्टोरी हाइडी की, बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके पूरी स्टोरी देख लें एंड शेयर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल।